प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब में आज पहली चुनावी रैली होगी। पीएम वर्चुअल रैली के जरिए लुधियाना और फतेहगढ़ साहिब लोकसभा क्षेत्र के 18 विधानसभा क्षेत्रों को संबोधित करेंगे। हर जगह बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाकर 1,000 लोगों के बैठाने का इंतजाम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देने के दौरान सोमवार के ही मूड में दिखे। सोमवार को उन्होंने लोकसभा में कांग्रेस को जमकर कोसा था। आज भी वे कांग्रेस की नीतियों से लेकर उसके विचारों पर लगातार हमले करते रहे। उन्होंने कांग्रेस शासन काल में महंगाई, जातिवाद, सिखों के नरसंहार और विकास का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र मंगलवार को जारी कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ये संकल्प पत्र जारी हुआ। इस बार लोक कल्याण संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। लखनऊ में अखिलेश यादव ने बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता की। अखिलेश ने कहा कि बंगाल में दीदी ने भाजपा को हरा दिया। दीदी दिल्ली से यहाँ आई लेकिन दिल्ली वाले यूपी में नहीं आए। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि अगर योगी आ जाएगा तो सबको खा जाएगा। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले में मुस्लिम छात्राओं की 4 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, जिसमें जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने कहा है कि कारणों और कानून के मुताबिक चलेंगे, किसी के जुनून या भावनाओं से नहीं। जो संविधान कहेगा हम वही करेंगे, संविधान ही हमारे लिए भगवद गीता है। इस मामले में की लिस्टिंग पर उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी फैसला होगा वह सभी याचिकाओं पर लागू होगा। भारत में कोरोना वायरस महामारी ने फिर पकड़ी रफ्तार। देश में एक्टिव केस की संख्या में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। नए केस 60,000 के पार आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 67,597 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 1,80,456 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 1,173 लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 39,82,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 97,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10.22 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। मेडागास्कर में चक्रवाती तूफान बत्तीसराई ने कहर ढा दिया है। करीब 2 हफ्ते में दूसरा बड़ा तूफान बत्तीसराई पूर्वी तट पर करीब 235 किलोमीटर की तेज रफ्तार से तटीय क्षेत्र से टकराया। इसके बाद ऊंची लहरें उठी। इसके बाद हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई है। तूफान के चलते करीब 48,000 लोग विस्थापित हुए हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार 9 फरवरी को अहमदाबाद के मैदान पर खेला जाएगा। दूसरे मैच में रोहित शर्मा और केएल राहुल ओपनिंग कर सकते हैं। पिछले मैच में ईशान किशन को ओपनिंग करने का मौका मिला था, लेकिन दूसरे मैच में केएल राहुल की वापसी के बाद किशन को बाहर बैठना पड़ सकता है। राजधानी दिल्ली का मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में दिल्ली में बारिश हो सकती है। पिछले हफ्ते ही दिल्ली में बारिश हुई थी और अब इस हफ्ते भी बारिश होने वाली है। 8 फरवरी यानी आज बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही 9 फरवरी को बारिश व तेज हवाओं की संभावना है।